सब्सक्राइब कीजिए मॉडिफिकेशंस विद मनोज और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले ना कि फॉग लाइट को हम ऑन ऑफ पे सेट करेंगे और उसको साथ में पासिंग भी करने वाले। तो अभी तक जो भी आपने देखे होंगे तब फॉग लाइट का ऑन ऑफ बटन पे ही हम लोग सेट करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि फॉग लाइट का हम ऑन ऑफ बटन और पासिंग दोनों पे कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने को ना एक अलग टाइप की स्विच लगेगी, मैं आपको बताता हूँ। और ये हम जो है ना किसी भी बाइक और स्कूटर में कर सकते हैं, किसी भी व्हीकल में हम डाल सकते हैं। ये तो अपने को है ना ऐसे टाइप की स्विच लगेगी ये वाली। इसमें ऑप्शन कैसा ना, ये ऑन ऑफ का भी ऑप्शन है और ये प्रेस वाला भी ऑप्शन है। अब इसका एडवांटेज ये है ना ये प्रेस वाला कि आप इसमें अंदर आपको अगर कोई हॉर्न लगाना तो हॉर्न अटैच कर सकते हैं, आपको पासिंग लगाना है पासिंग भी कर सकते हैं। कुछ मोटरसाइकिल जैसे मैं बात करूँ कि होंडा की ट्विस्टर मोटरसाइकिल जो आती है उसके अंदर पासिंग लाइट नहीं होती है, तो उसमें भी अगर आपको पासिंग लाइट बनाना तो अब ये ऐसा ये वाला बटन से आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या आपका दोनों पर्पज़ हो जाते हैं, ऑन ऑफ का भी हो जाता है और कुछ अगर आपको इससे दूसरा कुछ करना है काम तो वो भी कर सकते हैं। और इसका प्राइस भी मैं आपको बता दूँ, ये कुछ ज़्यादा महंगा नहीं आता है, ये 100 to 150 रुपीज़ के अंदर ही आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम मतलब 150 तो बहुत ज़्यादा हो गया, उसके अंदर ही आपको ये मिल जाएगा, किसी भी गैरेज शॉप पे आपको मिल जाएगा। इसका ऑनलाइन लिंक अगर रहेगा तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ में देखो ये ऐसे वायर्स आते हैं, ये एक सॉकेट वाला होता है और एक ऐसे वायर होता है। तब ये सॉकेट जो है ना ये पासिंग लाइट का है और ये जो दो वायर जो है ये दो वायर ये ऑन ऑफ का है। अगर आपको ऐसे कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है आप यहाँ से भी देख चेक कर सकते कलर, आप यहाँ से भी आप अंदर से ना कलर आपको दिखेगा यहाँ से। तो अभी मैं क्या करूँगा आपको वायरिंग डायग्राम बताऊँगा कि इसको वायरिंग कैसे करने का है, और फिर आपके पूरा मैं अटैच करके भी आपको दिखाऊँगा और फिर इंस्टॉल करके भी आपको दिखाऊँगा। तो अपने को क्या लगेगा, एक ये स्विच ऐसी वाले टाइप स्विच लगेगी और एक अपने को रिले लगेगा, 5 पिन की रिले, 12 वोल्ट 5 पिन रिले अपने को ये लगेगा। तो ये मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देता हूँ। और ये जो स्विच है ना हम स्कूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टॉल करके भी आपको दिखाऊंगा और वर्किंग करके भी आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, तो ये स्विच लेने से पहले ना एक चीज़ आपको चेक करना है, ये प्रेस वाला जो स्विच है ना ये ज़रा स्मूथ वर्किंग होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो बहुत आपको ज़ोर से प्रेस करना पड़ेगा। तो स्मूथ वर्किंग आप कैसे चेक करोगे ना, आपके पास ये कंटिन्यूटी टेक्सचर होना चाहिए। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये इसको पहले इसके अंदर ऐसा डाल देने का, ठीक है, ये सॉकेट के अंदर डाल दो क्योंकि सॉकेट जो है ये प्रेस वाले स्विच का है। और ऐसा इसको प्रेस करो, एकदम सॉफ्टली इसको प्रेस करना, अगर लाइट होती तो मतलब ये बराबर है। ये देखो लाइट हो रही है, मतलब परफेक्ट एकदम, मतलब मैंने एकदम ये एकदम जेंटली मैंने एकदम प्रेस कर रहा हूँ मैं और ये लाइट हो रही है, मतलब ये स्विच बराबर है, ये बहुत ईजी अच्छा है। अभी इसका हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स, तो ये वायरिंग डायग्राम है। तो ये जो स्विच है वही अपनी ये वाली स्विच है जिसके 4 वायर होते हैं, 2 वायर इसके और 2 वायर ऑन ऑफ के, 2 वायर प्रेस के 2 वायर ऑन ऑफ के। तो ये स्विच हो गया प्रेस के, प्रेस वाला जो स्विच है ये जल्द प्रेस वाले स्विच के 2 वायर है और ऑन ऑफ स्विच के 2 वायर इस तरह से। और ये अपने को एक रिले लेना है, 12 वोल्ट 5 पिन रिले। और एक एडिशनल चीज़ आपको एक लेना पड़ेगा, डायोड आपको लेना पड़ेगा, एक डायोड आपको 4007 या तो फिर कोई भी बिग साइज़ वाला डायोड आप ले लो। तो ऑन ऑफ वाला जो वायर है ना कोई भी एक वायर आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ये वाले टर्मिनल पे कनेक्ट होगा और दूसरा वाला वायर है वो फॉग लाइट के पॉजिटिव में टच हो जाएगा। और प्रेस स्विच वाला जो 2 वायर है उसमें से एक वायर ये रिले के ये वाले पिन पे कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला चले जाएगा इग्निशन पे, दूसरा वाला, और ये वाला भी इग्निशन पे जाएगा। तो ये और ये दोनों आप जॉइंट मंगा सकते हो। रिले का ये वाला एक पिन जो है वो ग्राउंड हो जाएगा। मैं आपको इसका नंबरिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर इनके साथ वो दूसरा कोई रिले भी अगर यूज़ करेगा ना तो भी वो सेम ही रहेगा फंक्शन उसका। ये 30, ये 87, ये हो गया 87A, और इसमें जो कोई भी 85 86 आप ले लो, ये 85 और 86 कहीं पे भी डाल सकते हैं, 85 86 कहीं पे भी आप डाल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये अगर ये रिले छोड़ के दूसरा कोई भी आप 5 पिन रिले आप ले सकते हैं, लेकिन 12 वोल्ट ही लेना चाहिए। और ये रिले है ना अगर 12 वोल्ट पे ही काम करेगा, अगर आपकी बैटरी लो हो रही है मतलब अगर वो 11 वोल्ट से नीचे ड्रॉप हो गया, 10 पे है 9 पे है, तो ये रिले काम नहीं करेगा क्योंकि ये 12 वोल्ट उसको जब मिलेगा तो ये रिले काम करेगा।
तो ये सिंपल सा सर्किट डायग्राम है, इसको आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और विदाउट रिले वाला भी मैं आपको दे दूंगा, तो वो सिंपल होगा, खाली ये और ये दोनों इसके दो वायर एक साथ अटैच हो जाते हैं। वो विदाउट रिले वाला भी मैं आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। हाँ फ्रेंड्स, तो ये पूरा हो चुका है, तो ये ऐसे रिले से पूरा कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, ये रिले से ये स्विच पूरा हो गया, ये बैटरी मैंने कनेक्ट किया हुआ है, और एक आपको डायोड आपको यूज़ करना पड़ेगा। डायोड आप कोई भी नंबर का आप ले लो चलेगा, छोटा लो बड़ा लो कोई भी लो चलेगा, कोई भी डायोड आप ले सकते हैं। बड़ा वाला ले लोगे तो भी बेटर है, मतलब थोड़ा सा ये एकदम सबसे छोटा जो आता है 4007 आता है, उससे ऊपर वाला कोई भी ले सकते हैं चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। तो अभी ये मैं आपको वर्किंग करके आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो है इसका प्रेस वाला बटन पहले मैं प्रेस करता हूँ। ये जो साउंड आपको दिखा सुनने में आ रहा है ये रिले का साउंड है वो, तो ये पासिंग लाइट का काम कर रहा है। अब मैं इसको ये ऑन ऑफ का भी काम कर रहा है, अब मैं इसको ऑन करके पासिंग देता हूँ, ऑन किया ऑन करके अभी इसको पासिंग देता हूँ, तो ये ऐसा फ्लिकरिंग का काम करेगा ये। और इसको एक बार वापस आएगा ऑफ करके कर लेता हूँ, तो ये एक सिंपल सा वायरिंग डायग्राम है। आपको डायग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको बिना विदाउट रिले भी आपको करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा ना कि जब आप फॉग लाइट ऑन करोगे और फिर आप जब पास लाइट प्रेस करोगे ना तो फ्लिकरिंग नहीं करेगा, बस ये खाली इतना सा होगा। अगर आप रिले यूज़ करोगे तो क्या ना ये ऐसा फ्लिकर करेगा, ये आप रिले यूज़ नहीं करोगे तो ऐसा फ्लिकरिंग नहीं करेगा, लेकिन वो ऑफ पोजीशन पे पास लाइट का काम करेगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इसको मैं इंस्टॉलेशन करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखो इस तरह से ऐसा कंप्लीट हो गया, ये स्विच है इधर और सर्किट इधर बना दिया और ये पूरा वायर। तो अभी मोटरसाइकिल में करने के लिए तो इजी है, आपको तो क्या हैंडल पे इसको डाल सकते हैं, स्कूटर पे करेंगे तो कैसा करने का, ये जो लेफ्ट साइड का जो है ना ये ग्रिप, इसको थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ खींच लो इसको, तो यहाँ पे गैप हो जाएगा, ये तो गैप हो जाएगा, तो गैप के अंदर यहाँ पे इजीली ये फिट हो जाएगा। ये ऐसा ये फिट हो जाएगी, तो यहाँ से आप इजीली ऑपरेट भी कर सकते हो, ये यहाँ पे हाथ लेगा ऐसा इजीली, ऐसा ऐसा ये ऑपरेट हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इधर। ये भी पूरा फिटिंग कर देता हूँ इसका, तो ये अभी इसमें ये देखो ये वायर है, चार वायर है इसके अंदर, इसमें ये दो वायर जो है जॉइंट होगा, ये फॉगलेट पे जाएगा, जैसे मैंने आपको वायरिंग डायग्राम में बताया था, ये दो वायर फॉगलेट पे जाएगा। इसको आप सिंगल भी कर सकते हैं नीचे, लेकिन मैंने डबल ही बना दिया। ये ब्लैक वाला नेगेटिव पे जाएगा और ये वाला इग्निशन पे जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब वायर्स मैंने सब अलग करके रख दिया, मैंने निकाल के रखा है, ये मेरा इग्निशन वाला वायर है ये इधर है, और ये मेरा फॉगलेट वाला भी वायर भी ये मैंने निकाल के रखा है। अभी खाली नेगेटिव को मैंने ग्राउंड करा है, वो मैं कहीं पर भी डाल देता हूँ। इसको पहले ज्वाइंट कर देता हूँ पहले पूरा और आपको बताता हूँ। ये कनेक्शन देखो पूरा हो गया, अभी ये वायरिंग भी हो गया पूरा, अभी खाली इसको टेप मारना बाकी है। अभी इसको आपको एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये चलिए ओके, ये अभी ऑन ऑफ पे काम हो रहा है, अब इसको पासिंग देता हूँ। यहाँ से कितना गिरा सर, इधर तो सामने लाइट आती है ना सर, ये अभी पासिंग का काम कर रहा है, ये ऑन ऑफ हो गया, अभी ऑन में इसको हम लोग पासिंग देते हैं, ये दोनों काम कर रहा है, अभी पासिंग का भी काम करेगा, हेडलाइट ऑन ऑफ हो गया और ऑन ऑफ में पासिंग का भी काम हो रहा है, तो सारा काम हो गया अभी।